बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 में देने वाले सभी छात्रों के लिए सबसे खुशखबरी यहां पे निकल के आ रहा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि परीक्षा से पहले कॉपी जांच के लेकर के और रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग का यहाँ पर इंटर की 5 मार्च से और वहीं मैट्रिक का जो है 12 मार्च से कॉपी मूल्यांकन की कार्य चलेगा, ऐसा बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है एग्जाम से पहले। तो आप लोग को ये सतर्कता से समझ लेना है कि इस बार जो है किस तरह से कॉपी चेक होगा और आपका रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। तो सारा चीज़ आपको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको मैं सारा चीज़ बताऊँगा कि इस बार किस आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा और रिजल्ट का यहाँ पर पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो बिहार बोर्ड की तरफ से सिंपली आपको आगे बढ़ते हैं और हम सिंपली सारे चीज आपको डिटेल्स में बताते हैं, डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 मार्च से इंटर और 12 मार्च से मैट्रिक परीक्षा 2022 की होगी कॉपी जांच, मूल्यांकन केंद्र बनाने के लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दिया गया है और किस तरह से आप लोग यहाँ पर देख लिए कि कॉपी चेक होता है तो किस आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो इस बार जो है जो भी छात्र अगले वर्ष 10th 12th एग्जाम की कॉपियों की जांच मुजफ्फरपुर जिले में 16 केंद्र बनाया गया था, यानी पिछले वर्ष की बात करते हैं, वहीं भी हर जिले में अपना बनाया गया था। तो इस बार जो आपका सेंटर बनने वाला है मूल्यांकन के लिए, उनके लिए सूची बिहार बोर्ड के द्वारा मांगा गया है अपने सभी जिला के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। तो केंद्रों की सूची मांगी गई है, डीएम ने डीओ की निर्देश दिया है कि केंद्रों का चयन कर बिहार बोर्ड यानी बीएसबी को भेजा जाए। तो इसके लेकर इस तारीख से होगी कॉपी की जांच। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता चल गया है कि आप लोग को 5 मार्च से इंटर का और 12 मार्च से मैट्रिक का कॉपियों का मूल्यांकन होगा। वहीं आपका रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट भी लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह तक यानी मार्च के अंतिम तक में आ जाएगा इंटर का, वहीं आपको 1 अप्रैल तक में आपका मैट्रिक का भी रिजल्ट बिहार बोर्ड जारी कर देगा। हर वर्ष बिहार बोर्ड सबसे पहले जारी करते आए हैं रिजल्ट और इस बार भी सबसे पहले जारी करेंगे। तो कॉपी जांच में लगभग 1600 परीक्षक लगाए जाएंगे। आप बता दें आपको कॉपी चेक के लिए लगभग 1600 से प्लस अधिक यानी परीक्षक यानी कॉपी चेक करने के लिए टीचर का चयन किया जाएगा। तो वहीं आपका रिजल्ट काफी पहले आ जाएगा। वहीं उत्तर पुस्तिका यानी ऑब्जेक्टिव का अगर करें तो हम लोग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, वहीं सब्जेक्टिव आपको टीचर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें काफी सहूलियत होता है, काफी आसान होता है, जिससे कि आपका रिजल्ट सही समय पर बिल्कुल आसानी से आ जाता है। तो ऐसे में उन्हीं हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल में मूल्यांकन केंद्र बनाने का प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ कम से कम 6 कंप्यूटर चालू हालत में है, यानी इस बार जो वहीं पर बनाया जाएगा जहाँ पे कई कंप्यूटर जो है चलने के हालात में यानी अच्छा है। तो डीओ ने बताया है कि डीओसी अब्दुल अस्सलाम ने ये मुजफ्फरपुर के हैं, तो उन्होंने बताया है कि 10 केंद्र निर्धारित है, 6 और नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। 5 दिसंबर 2021 तक सूची भेजनी है, सभी जिला के डीओ को भेजा गया बोला गया है, तो सभी अपना दे देंगे। तो दोस्तों मैं बस इस वीडियो में आपको कंप्लीट यही देना चाहता था जानकारी कि आपका रिजल्ट जो है इस बार काफी पहले आएगा और आपके कॉपी किस तरह से चेक होगा। आपकी कॉपी में रिजल्ट जो है आपके उसी आधार पर आएगा। बिहार बोर्ड द्वारा स्पष्ट बोला गया है कि आपकी कॉपी खाली नहीं होना चाहिए, आपकी कॉपी में क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर उस पर देंगे। तो आप लोग सिंपली समझ गए कि आपको कॉपी सदा पन्ना छोड़ के नहीं आना है। आप क्वेश्चन के लेते अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप उसके संबंध में उसी के संबंध में कुछ न कुछ जरूर अपने एग्जाम में लिखे, तो ऐसे में बेहतर अंक की आप कल्पना कर सकते हो यार, आपको बहुत अच्छा अंक आ जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में सिंपली यही जानकारी देना चाह रहा था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए।